हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुतमईन प्रकाश, और आज हम ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस के डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, जिसमें उसका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है इसोफेगस, इंटेस्टाइन और एनस। आज हम ये पार्ट पढ़ेंगे, तो आइए हम देखते हैं उसका डाइजेस्टिव सिस्टम का ईसोफेगस वाला पार्ट क्या है। ईसोफेगस फैरिंग्स एक छोटी संकीर्ण नलिकाकार ग्रस्का या ईसोफेगस में खुलता है, जो इंटेस्टाइन में जाती है। यानी ईसोफेगस जो है, ठीक है, फैरिंग्स स्मॉल और नैरो ट्यूबुलर फेरिंग्स या ईसोफेगस में खुलता है, जो इंटेस्टाइन में जाती है। अब इसका अगला पार्ट है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन क्या है, आइए देखते हैं। फेरिंग्स जितनी ही लंबी होती है, यह स्पॉट या अरेखित पेशियों के एक बारीक स्तर से आच्छादित होती है या कवर्ड होती है। इंटेस्टाइन को तीन भागों में बांटा जा सकता है, अधिक चौड़ा अग्रभाग मध्यांत्र यानी मेडगट होता है, फेरिंग्स और मेडगट के संगम से दाहिनी ओर एक बड़ी बंद थैली या अंडनाल डाइवर्टिकुलम निकलती है। मिडगट के अस्तर में दाहिने पार्श्व की ओर एक अर्धचंद्राकार पार्श्वीय पश्चमावी प्रदेश लैटरल सीलियरी होता है। इसके सीलिया नीचे को कंपन करके भोजन को मिडगट के डाइवर्टिकुलम में भेजते हैं। मिडगट के पीछे एक सघन सीलियरी इलियोकोलिक रिंग होता है, जिसकी सीलियरी क्रिया भोजन युक्त श्लेष्म रज्जु म्यूकस कॉर्ड को घुमाती है। पश्चांत यानी हाइंडगट जो पीछे होती है, अधिक संकीर्ण होती है। इसका आखिरी सिरे वाला भाग या मलाशय रेक्टम गुदा द्वार बाहर खुलता है। एज लॉन्ग एज फेरिंग्स इट इज कवर्ड विद ए ग्रेनुलर लेवल ऑफ स्पॉट और नॉन मस्कुलर मसल्स, द इंटेस्टाइन कैन बी डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट्स। द वाइडेस्ट फोरगट इज द मिडगट। ए लार्ज क्लोज्ड सैक और डाइवर्टिकुलम अराइज ऑन द राइट साइड फ्रॉम द कन्फ्लुएंस ऑफ द फेरिंग्स एंड मिडगट। There is a crescent shaped lateral ciliary on the right lateral side in the lining of the median. Its cilia vibrate downwards and send food to the diverticulum of the midgut. Behind the midgut is a complex ciliary ileocolic ring whose ciliary action
रोटेट द एडेबल म्यूकस कॉर्ड हाइंड गट विच इज बिहाइंड इज मोर नैरो इट्स हाइंड एंड और रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू द एनस। अब इसका हमारा अगला पार्ट है एनस। यह पुच्छ पंख के आधार पर मध्य अधर रेखा के थोड़ा बाई ओर बाहर की तरफ खुलता है। ठीक है, इट ओपन्स आउट स्लाइटली आउट द लेफ्ट ऑफ द मीडियन वेंट्रल लाइन एट द बेस ऑफ द टेल फीडर। अब बात करते हैं हम इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड की। तो इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड कितनी होती हैं? तो यह दो होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आइए देखते हैं। तो यह दो होती हैं। पहली है लिवर और मिडगट डाइवर्टिकुलम। तो ये क्या है आइए देखते हैं। यह मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड है। यह मिडगट और ईसोफेगस के मिलने के स्थान पर पाई जाती है। यह फेरिंग्स की राइट साइड पर होती है। इसमें सीलिया पाए जाते हैं जो भोजन की गति में सहायक होते हैं। इसको जाइमोजन सेल्स, पाचक एंजाइम्स बनते हैं। अगली है इसकी ग्लैंड सेल्स। तो इसकी ग्लैंड सेल्स क्या है आइए देखते हैं। ये इंटेस्टाइन की इपिथीलियम में पाए जाते हैं। इनसे भी पाचक एंजाइम्स बनते हैं। अब बात करते हैं हम इसके फूड एंड फीडिंग की। तो एम्फियोक्सिस एक सूक्ष्मभक्षी जंतु है जो समुद्र में पाए जाने वाले प्रोटोजोआ तथा अन्य सूक्ष्म जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है यानी रिसीव करता है। यह पचमावी अथवा निस्पंदक भंजी सीलरी और फिल्टर फीडर है। जंतु रेत में दबा हुआ स्थान पद जीवन यापन करता है और केवल शरीर का अग्र छोर पानी में निकला रहता है। भोजन कण मुख से फेरिंग्स में से छान लिए जाते हैं जो अंत में परिकोष्ठ छिद्र में बाहर निकल जाती है। मुख में चक्कर खाती जलधारा प्रवेश करती है। ओरल हुड पर झालर बनाने वाले अंदर को पलटकर एक बारीक जाली या छलनी बनाते हैं जो रेत और भोजन के बड़े कणों को प्रवेश को रोकती है। जलधारा व्हीलर टेंटिकल्स छानते हैं ताकि भोजन के केवल बहुत बारीक कण फेरिंग्स में प्रवेश कर सकें। ओरल हुड में उपस्थित भोजन कण जो मुख धारा से छूट जाते हैं उनको हैचेक की खांच और गर्त द्वारा सिक्रेटेड म्यूकस चिपकाकर उनका सांद्रण करता है। भोजन कण आंत्रमुख में फेरिंग्स में धकेल दिए जाते हैं जहां वे मेन करंट में मिल जाते हैं या मुख्य धारा में मिल जाते हैं। जल के फेरिंग्स में प्रवेश को विलम नियंत्रित करता है।
भोजन संग्रह में फैरिंग्स सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग लेता है। क्लोमदंडों, गिलवार्स पर स्थित पार्श्व सीलिया, लेटरल सीलिया और बाह्य तल पर स्थित परिकोष्ठीय सीलिया अपने बाह्य कंपनों द्वारा जलधारा का गिल स्लिट्स में परिकोष्ठ में फेंकते हैं और अंत में परिकोष्ठ छिद्र में से बाहर निकलते हैं। अब हम डायग्राम देखते हैं टीएस ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। पासिंग थ्रू पोस्टीरियर रीजन ऑफ फेरिंग सोइंग गोनड्स, ठीक है, ये हमारी बॉडी वॉल, ठीक है, ये हमारे इसमें डॉर्सल फिन्स, एपिडर्मिस, मायोटोम्स, माइकोमेटा, ठीक है, डॉर्सल एओर्टा, ये रही, इसमें डॉर्सल सीलोमिक कैनाल, गिल स्लेट्स हमारे ये रहे, गिल बार्स हमारे ये हैं, मसल्स, मेटाब्रुरल फोल्ड्स क्योंकि ये हैं, ठीक है, एंडोस्टाइलर कैनाल, एंडोस्टाइल, ओवरी, लिवर डाइवर्टिकुलम, फेरिंग्स, इपीफेरेंजियल ग्रुप, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, कॉर्डल सीथ, नर्व कॉर्ड, डॉर्सल फिंडे। तो ये हमारा पूरा टीएस ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा पासिंग थ्रू पोस्टीरियर रीजन ऑफ फेरिंग्स सोइंग गोनड्स। ये इसका डायग्राम है, आप इस डायग्राम को बनाइए। अब हम बात करते हैं इसके फेरिंग्स के अंदर भोजन के कण अधोग्रसनीय खांच के ग्रंथिल प्रदेशों और ग्रसनी उपकला यानी फेरिंग्स एपिथीलियम द्वारा स्रावित म्यूकस गिलवार में फंस जाते हैं। एंडोस्टाइलर सीलिया और गिलवार के ललाटीय पश्चाव यानी फ्रंटल सीलिया ऊपर की ओर कंपन करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं, इससे भोजन के कणों से लदी श्लेष्म परतें पृष्ठ और अधिग्रसनीय खांच इपीफेरेंजियल में चली जाती हैं। फेरिंग्स के पूर्व क्लोमीय क्षेत्र में बैठ परिग्रसनीय पटों प्रीफेरेंजियल बैंड्स के सीलिया द्वारा मध्य पृष्ठ अधिग्रसनीय खांच में सरका दिए जाते हैं। अधिग्रसनीय खांच भोजन भरे म्यूकस को एक संकीर्ण खाद्य रज्जु या खाद्य वेलन, फूड कॉर्ड और फूड सिलेंडर के रूप में ईसोफेगस में भेज देते हैं। अब बात करते हैं हम इसके डाइजेशन की। तो डाइजेशन क्या है, डाइजेशन सिस्टम में डाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिडगट डाइवर्टिकुलम और मिडगट एपिथीलियम से सिक्रीट या स्रावित होते हैं। फेरिंग से आया खाद्य रज्जु, ठीक है, फूड कॉर्ड ईसोफेगस से मिडगट में चला जाता है और सीलिया का लेटरल लीजन उसे मिडगट डाइवर्टिकुलम में भेजता है और फिर सीलिया प्रोसेस पुनः मिडगट में आ जाता है। पाचन मिडगट में स्टार्ट होकर इंटेस्टाइन के शेष भाग में चलता रहता है, इसे इलियोकोलिक रिंग में फूड कॉर्ड सीलरी रिएक्शन के कारण घूर्ण करती है। इससे खाद्य पदार्थ और भी छोटे कणों में टूट जाते हैं।
एंजाइम्स भली भांति भोजन में मिल जाते हैं। पाचन मुख्यतः बहिःकोशिकीय एक्स्ट्रा सेलुलर है, परंतु अंतःकोशिकीय इंट्रा सेलुलर पाचन भी होती है। पचे हुए भोजन का आंशिक अवशोषण मिडगट अपचित पदार्थ अंत में गुदा द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। कभी कभी भोजन के कुछ कण परिकोष्ठ गुहा में आ जा सकते हैं और अंततः परिकोष्ठ के फर्श पर रीनल पैपली में वर्तमान भक्षी कोशिकाओं द्वारा निगल लिए जाते हैं। तो ये आज का हमारा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। कल हम इसका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।